नमस्कार दोस्तों, विनय की पाठशाला में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक्सरसाइज 7E को हल करने जा रहे हैं, तो आप लोग भी आ जाइए मेरे साथ और दोनों लोग मिलकर शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज। तो ये रहा आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, प्रश्न शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आज के जो प्रश्न है वो ब्याज से संबंधित प्रश्न है। कुछ लोग तो ब्याज का नाम सुनते ही डर जाते हैं और उन प्रश्नों को बहुत ही कठिन मानने लगते हैं, परंतु आज आप इस वीडियो को देखिएगा और इसके आगे आने वाले वीडियो को भी देखिएगा तो आपके मन से वो डर पूरी तरह से अलग हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हम लोग बेसिक बताते हैं और मैथ में अगर आपका बेसिक मजबूत हो गया तो आगे आपको कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। तो उसी क्रम में आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे साधारण ब्याज की। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे 100। तो मूलधन तो साधारण सा होता है, जो भी पैसा हम लोग क्या करते हैं बैंक में जमा करते हैं। तो जो धन हम शुरुआत में जमा करते हैं या उधार देते हैं उसे हम मूलधन कहते हैं। तो मूलधन क्लियर हो गया, वह धन जिसको हम शुरुआत में जमा करें, जैसे बैंक में हमने 500 रुपये जमा किए तो वो मेरा मूलधन हो गया, कोई हमसे 1000 रुपये उधार ले गया वो मेरा मूलधन हो गया। अब दूसरे नंबर पे बात आती है दर की। तो दर और समय दोनों को हम एक साथ बताएंगे आपको। दर जो है वो हमेशा जो है प्रतिशत में होती है और इसमें आगे एक शब्द लिखा होता है, यहाँ पर बहुत ध्यान से इसको देखना, या तो यहाँ पे वार्षिक लिखा होगा या यहाँ पर छमाही लिखा होगा या यहाँ पर तिमाही लिखा होगा, ठीक है। इस बात को आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। और इसी तरह से नीचे जो है समय होता है, समय हो सकता वर्ष में दिया जाए या छमाही दिया जाए 6 महीने का या तिमाही दिया जाए 3 महीने का, ठीक है। तो ये दो चीजें आप लोग देखिएगा ध्यान से, समय और ये दर। जब भी हम प्रश्न को हल करें तो ये दोनों इकाई बराबर होनी चाहिए। जैसे दर अगर वार्षिक है तो वर्ष भी मेरा, समय भी मेरा वर्ष में होना चाहिए। दर अगर मेरी छमाही है तो समय भी जो है 6 महीने के गुणज में होना चाहिए। जैसे 1 साल का पूछा है और छमाही कह रहा है, दर छमाही है, तो या तो दर को वार्षिक कह लो या समय को छमाही के हिसाब से बदल दो। और इसी तरह से अगर तिमाही है तो इसको तिमाही के हिसाब से दोनों जो भी हैं उनको बराबर कर लेंगे। इस बात को हम ध्यान रखेंगे और बस इतना ही है साधारण ब्याज से संबंधित। इसके बाद हम लोग प्रश्न को बहुत ही आसानी से हल करेंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो पहला प्रश्न है कि 800 रुपये पर 500 वर्ष का ब्याज 3.5% वार्षिक दर से ज्ञात कीजिए। तो हम लोग देखेंगे इस पे, इसमें मूलधन कितना दिया गया है 800 रुपये। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे मूलधन बराबर 800 रुपये। समय कितना दिया गया है, समय दिया गया है 5 वर्ष और प्रतिशत वाली दर होती है, तो दर कितनी दी गई है 3 / 1/2%। तो सही बटे को इसको चेंज कर लो, 3 × 2 = 6 और ये 1 जोड़ देते हैं, 6 और 1 = 7/2। जब भी सही बटे में हो तो उसको अंश बटे हमें बदलते हैं, तो उसका 2 का 3 में गुणा कर देंगे 2 × 6 और ऊपर जो अंश होता है उसको जोड़ देते हैं, तो 2 × 6 = 7/2%। और दर के आगे आप देखेंगे कि ये लिखा है वार्षिक, तो ये है वार्षिक। तो यहाँ पे जो मैंने बात बताई थी आपको, जो याद रखने वाली बात है कि इधर भी वर्ष है और इधर वार्षिक है, तो ये दोनों सेम है, तो इसमें हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम सूत्र लगाएंगे और प्रश्न को हल कर देंगे। तो सूत्र है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन था मेरा 800 रुपये, दर है 7/2%, तो 7 ऊपर आ गया, बटे में 2 आ गया नीचे, और समय है 5 वर्ष, तो ये 5 ऊपर रहेगा
और ये 100 बटे में था, तो ये 100 आ गया बटे में। ठीक है, अब इसको हम सिंपल सा हल कर लेंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 चौको 8 हो गए, ऊपर बचे 4 × 7 × 5, तो ये 4 × 7 = 35, 35 और 35 चौको 35 × 70, 70 × 140, तो ये हो गया 140 रुपये मेरा साधारण ब्याज आ गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब दोस्तों आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर, और प्रश्न नंबर 2 इस प्रकार से है, 1500 रुपये पर 6 महीने का 12% वार्षिक दर से ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या क्या दिया गया है। तो 1500 रुपये सबसे पहले उसने जमा किए होंगे, तभी तो ब्याज और मिश्र धन निकलेगा। तो 1500 रुपये हो गया मेरा मूलधन, और समय जो है वो दिया गया है यहाँ पर 6 महीने। बहुत ध्यान से इसको देखना, यहीं पे गलती करते हुए हैं सब लोग। और दर दी गई है 12% वार्षिक, दर दी गई है 12% वार्षिक। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, जो मैंने आपको बात बताई थी, यहाँ पर 6 महीने दिया है और यहाँ पे वार्षिक दिया है, तो ये दोनों सेम नहीं है और इसको हमें सेम करना है। तो या तो समय को हम वार्षिक में कर लेंगे और या दर को हम छमाही कर लेंगे, क्या करना आप बेहतर समझेंगे। चलो समय को वर्ष में चेंज कर लेते हैं। तो 6 महीने कितने वर्ष होते हैं, 1/2 वर्ष, आधा साल होगा 6 महीने। तो अब हम 6 महीने ना लिख के क्या लिखेंगे, 1/2 वर्ष। तो अब मेरा वर्ष और वार्षिक दोनों बराबर हो गया। तो अब हम लोग यहाँ से सूत्र लगाएंगे और बहुत ही आसानी से हम लोग इसको हल कर ले जाएंगे। तो सूत्र है मेरा वही, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो मूलधन है मेरा 1500, दर है 12% वार्षिक थी, और समय जो है मेरा 6 महीने ना लिख के हम कितना लिखेंगे, 1/2, और ये नीचे 100 है, तो ये 2 और 100 दोनों हो गए, बटे में थे था ना, तो वो 2 नीचे आ गया। अब सिंपल साइज को हल कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 किससे कटेगा ऊपर, 2 × 6 = 12, तो ऊपर मेरा कितना बचा, 15 × 6 × 1, तो 1 का गुणा होगा तो वही संख्या रहेगी, 15 × 6 = 90 रुपये। ये मेरा आ गया साधारण ब्याज। तो एक आंसर मेरा यहाँ से आ गया, ब्याज कितना हो गया 90 रुपये। अब दोस्तों 1 साल बाद उसका कुल पैसा कितना हो जाएगा, उसी को हम कहते हैं मिश्र धन। बाद में हमें ब्याज सहित जो पैसा मिलेगा उसको हम बोलते हैं मिश्र धन। तो मिश्र धन का सूत्र क्या होता है, मूलधन में हम ब्याज को जोड़ देते हैं, सॉरी मूलधन धन साधारण ब्याज। ठीक है, तो मूलधन मेरा कितना था, मूलधन मेरा था 1500 रुपये, और 90 रुपये हमने उसमें जोड़ दिए, तो मेरा कुल कितना रुपया हो जाएगा, 1590 रुपये, यही मेरा हो जाएगा मिश्र धन। ये रहा मेरा आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाकी प्रश्नों को करिएगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर प्लीज़ 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 एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।